आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि हम लोग किसी से भी रिश्ता तो बनाते हैं, वो रिश्ता क्यों टूट जाता है, हम अपने रिश्ते को कैसे लंबे समय तक लेकर जा सकते हैं, कैसे हम अपने रिश्तों में खुशहाली ला सकते हैं। आज इन्हीं सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहला चीज़ है कि हम लोग रिश्ता बनाते क्यों हैं, क्यों बनाते हैं आखिर रिश्ता, ज़रूरी क्या है। रिश्ता इसलिए बनाते हैं ताकि जब भी हमारे ज़िंदगी में कोई मुसीबत आए तो उस मुसीबत के क्षण में हमारा रिश्ता हमें काम आए, हमारा मदद करे। वो हम जिनसे भी रिश्ता बनाते हैं, जिनके साथ भी हम रिश्ता बनाते हैं, यही ना। तो कोई भी इंसान है, चाहे वो आपका दोस्त है या फिर आप किसी से प्यार करते हो, आपके माता पिता हैं या फिर आस पड़ोस के जो भी लोग हैं, हर कोई कौन है, हर कोई आपके रिश्तेदार हैं। आप जिन्हें भी जानते हो, जिस किसी इंसान को भी जानते हो, वो आपका रिश्तेदार हुआ। तो रिश्तेदार के साथ कैसा संबंध रखना चाहिए, देखिए मेन चीज़ है कि अभी आज की इस वीडियो में ना आपको ये लग रहा होगा कि मैं लव के ऊपर ज़्यादा बात करने वाला हूँ। ठीक है, लव आप किससे नहीं करते हो? क्या आप अपने भाई से प्यार नहीं करते हो? क्या आप अपने बहन से नहीं करते हो, माँ बाप से, या फिर आपके आसपास के जो भी लोग हैं, क्या आप उनसे नफरत करते हो? ऐसा तो नहीं है। हाँ, कुछ लोग होंगे जिनसे आप हो सकते हो कि आप नफरत करते हो, अलग चीज़ है, कुछ पर्सनल मैटर्स को लेकर के। लेकिन कोई भी किसी से अपने रिश्तेदार से तो नफरत नहीं कर सकता है बिना किसी वजह का। तो किसी भी इंसान के साथ जो आप रिश्ता रखे हुए हो, तो उस रिश्ते को यदि आप खुशहाल बनाना चाहते हो, खूबसूरत बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको विश्वास रखना होगा एक दूसरे के ऊपर। मेन चीज़ है कि बिलीव बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आप यदि एक दूसरे पर बिलीव नहीं करते हो तो फिर आपका रिश्ता कभी भी अच्छा नहीं रह सकता है। क्यों लड़ाई झगड़ा हो जाता है किसी भी रिश्ते में? जब विश्वास नहीं रहता है तभी ना। यदि विश्वास नहीं होगा किसी भी रिश्ते में तो आपको झगड़ा होना ही होना है। अब पति पत्नी में भी झगड़ा होता है, क्यों होता है? क्योंकि विश्वास नहीं होता एक दूसरे के ऊपर। और यदि विश्वास हो तो बिल्कुल कभी भी झगड़ा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। दो लवर्स बहुत दिनों से एक दूसरे के साथ रहते हैं लेकिन कभी उसके साथ खटपट हो जाता है, क्यों होता है? क्योंकि विश्वास में क्या होता है, कमी आ जाता है। यदि आपके विश्वास में लेस मात्र भी कमी आएगी तो फिर आपके रिश्ते में खटपट तो होना ही होना है। तो रिश्तों की खूबसूरती अच्छे कपड़े पहनने से, अच्छा सेल फोन ले लेने से, या फिर मतलब बहुत दूर दूर तक ये वो इधर उधर करने से, ये सब चीज़ से आपका रिश्ता अच्छा होने वाला नहीं है। आपका रिश्ता अच्छा कैसे होगा? आपका रिश्ता अच्छा एक ही शर्त पर होगा कि आप जिस किसी के साथ भी रिश्ता रखे हुए हो उसके साथ आप अपना विश्वास बनाए रखो, उसके साथ छल मत करो, धोखा मत करो। वो जो भी कहता उसके बात को आपको समझना होगा, उसकी प्रत्येक बातों को समझना होगा, फिर आपका रिश्ता सही रह पाएगा। तो आज हम यही बात कर रहे थे कि आपका रिश्ता कैसे खूबसूरत बनेगा, यही चीज़ ना। अब है कि आपका रिश्ता लंबे समय तक नहीं चल पाता है, क्यों नहीं चल पाता है? तो हम पहले भी बहुत सारा ऐसा वीडियोस बना चुके हैं जिसमें कि हम ये बात बोले हैं कि अपने रिश्ते को लंबे समय तक हम कैसे लेकर के जा सकते हैं। इसके लिए हम दो चीज़ बताए थे, एक तो आपको, आप जिसके साथ भी रिश्ता रखे हुए हो, आप उसके बात को समझो, वो जो भी कहता है उसकी बात को सुनो, यदि वो चीज़ यदि सही है तो आप उसको अपने जीवन में ज़रूर उतारो। और दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो मैं बताया था कि आप उसका रिस्पेक्ट करो। आप जिसके साथ भी रिश्ता रखे हुए हो, आपका बहुत बड़ा काम ये है कि आप उनका रिस्पेक्ट करो, उनकी बातों का रिस्पेक्ट करो। यदि आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो कोई भी आदमी आपके साथ नहीं टिकेगा, कोई भी नहीं, कोई भी आपको छोड़ करके आपसे दूर चला जाएगा। ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी रिश्ते में कि आप किसी के भी साथ हो तो आप उनका रिस्पेक्ट करो। तो ये दो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। तो रिश्ते को यदि लंबे समय तक ले जाना है तो आपको विश्वास बनाना होगा और दूसरा उनकी बातों को मानना होगा, उनका रिस्पेक्ट करना होगा। और जो है, और इससे ज़्यादा कुछ ज़रूरी है ही नहीं, कुछ भी नहीं। आप गिफ्ट दे दो, कुछ भी दे दो, या फिर कितना भी कुछ कर लो, उससे आपका रिलेशन अच्छा होने वाला नहीं है। रिलेशन का आधार है विश्वास, किसी भी रिश्ते का, चाहे आप किसी से प्यार करते हो उसके लिए, चाहे आप गांव समाज में या फिर अपने घर में या फिर कहीं भी आपके दोस्त हैं, आपके पड़ोसी हैं, कोई भी हैं, हर जगह ये विश्वास बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हर किसी को आपको विश्वास दिलाना होगा। विश्वास में वो ताकत होता है, आप यदि कुछ गलती भी कर दोगे और आपको यदि किसी के ऊपर विश्वास है, उसको यदि कोई कह दिया कि ये तुम्हारे साथ गलती किया है, तो वो इंसान विश्वास के कारण आपको गलत नहीं होने देगा, वो आपको गलत समझेगा ही नहीं, वो आपको कभी भी गलत ठहरा ही नहीं सकता है। ये चीज़ होता है, इतना ताकत होता है विश्वास में। तो ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी होता है किसी भी रिलेशन में।
तो आप किसी के भी साथ रिलेशन में हो तो विश्वास रखो, मैं बार बार यही कह रहा हूँ। और देखो यार, मेन चीज़ है कि किसी दूसरे के बात में मत आया करो। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके रिश्ते को तोड़ने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। वो आएंगे कहेंगे कि देखो वो तो ये करता है, वो तो उससे बात करता है, वो तो ऐसा करता है, वो तुम्हारे बारे में ऐसा बोलता है। नहीं, किसी के भी बात पर विश्वास ही नहीं करना है। आप जब तक कि उस इंसान के मुँह से नहीं सुनो तब तक आप किसी के भी ऊपर विश्वास मत करो। क्यों, आखिर क्यों करोगे विश्वास? मेन चीज़ है कि आपको यदि अपने रिश्ते को यदि ज़्यादा समय तक लेकर जाना है तो आपको दूसरे के बातों में आना ही नहीं है। यदि दूसरा इंसान कुछ भी कहता है तो उसकी बात को सुनना ही नहीं है, कुछ भी नहीं सुनना है। जब तक कि आप उसके मुंह से नहीं सुनो, जब तक कि आप अपने आँखों से उसका कोई गलती ना देखो, तब तक आप किसी के भी बात में मत आओ, किसी के भी बात में मत फंसो। क्योंकि दूसरे की बात में जब आओगे तो क्या ज़रूरी, क्या क्या पता क्या हो जाए, नहीं हो जाए, वो क्या बोलेगा, क्या पता उसको आपके रिश्ते से जलन ही हो रहा हो। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि अच्छा से अच्छा दोस्त आपका अच्छा से अच्छा रिश्ता खराब कर देता है। तो जब तक कि आप नहीं सुनो तब तक आप किसी के भी बात में आओ ही मत, क्या ज़रूरी है। तो अपने रिश्ते को यदि खूबसूरत बनाना है तो मैं जितना भी बात आपको बताया हूँ उन सारे बातों को समझना है। और हो सकता है कि आपको इसमें से कुछ बात अच्छा भी लगा हो, और जो बात अच्छा नहीं लगा तो कोई बात नहीं, हमको बताइए कमेंट में क्या अच्छा नहीं लगा। मैं तो अपने विचार से जो कुछ भी बोला हूँ बिल्कुल सही बोला हूँ, सटीक बोला हूँ। और यदि आपके मन में भी कोई ऐसा बात है, यदि आपको भी लगता है कि और कुछ कमी रह गया, आपको यदि लगता है कि रिस्पेक्ट और बिलीव के अलावा भी कोई ऐसा चीज़ है जो कि रिश्ता में बहुत ज़्यादा आवश्यक है, तो आप कमेंट में बताइए हमको, हम ज़रूर सुनेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल के फैमिली का एक हिस्सा अवश्य बने, मैं बस यही चाहता हूँ। और मैं क्या आपको मोटिवेट करूँ, आप सब कुछ जानते हो, मैं तो बस थोड़ा सा आपका साथी बनने का प्रयास करता हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि आपका दोस्त की तरह आपका मैं मदद कर सकूँ, बस यही चीज़ है। और हमको कुछ भी नहीं है, मैं कोई बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं हूँ, या फिर क्या बताऊँ, कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं बस आपको रिमाइंड करवा सकता हूँ, मैं आपको कुछ भी याद करवा सकता हूँ कि मतलब आप यहाँ भूल कर रहे हो, मैं बस ये आपको बतला सकता हूँ। ज़्यादा मोटिवेट करना ये सब चीज़ तो मेरे बस की बात है ही नहीं। मोटिवेट तो आप खुद होते हो और डीमोटिवेट भी आप खुद होते हो। आपका रिश्ता टूटता है तो आपको तकलीफ होता है, और जब आपके रिश्ता में आपको खुशी मिलता है तो बहुत मज़ा आता है। तो रिश्तों में खुशी कैसे मिलेगा, आपको विश्वास बनाए रखना है। जिसके साथ भी आपका रिश्ता है उस पर विश्वास रखना है, उसका इज्जत करना है, उसका रिस्पेक्ट करना है, यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बस आज ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग खुश रहो, मस्त रहो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, और ज़्यादा इधर उधर दिमाग मत लगाओ, अपने काम के ऊपर फोकस करो।